Assalamualaikum and welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. अच्छा जी, तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तो आज की वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे कि किस चीज़ के बारे में है. तो आज की है यूविल क्रीम, जो कि एक सन ब्लॉक है. तो इस पर रिव्यू करना है और इसका बॉक्स जो है वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है. तो हर बॉक्स का तो कोई रिव्यू होता नहीं है, तो फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा था, बट वो मुझसे मिसप्लेस हो गया है. तो जी इसी पैकेजिंग के साथ ही हम आज का रिव्यू करेंगे. तो चलिए वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, ये है यूवीएल की सन ब्लॉक क्रीम और इसमें होता है हमारे पास SPF 60 और पास. और ये जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है UVA और UVB जो है उसकी रेडिएशन जो होते हैं उसके खिलाफ ये काम करता है और हमें उससे प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, इसलिए भी है कि हमें सन से प्रोटेक्ट करता है और रिड्यूस करता है UVB को हमारे स्किन से. तो ये जो है इसकी पैकेजिंग जो है वो 30 ग्राम में हमारे पास रिसीव होती है. इफेक्टेड बाय डर्मा टेक्नो, मतलब ये कि पाकिस्तान में ही ये कस्टमाइज हुई है, पाकिस्तान की क्रीम है. अच्छा जी, तो ये एक मेडिकेटेड क्रीम है. ठीक है, और ये जो है ये डॉक्टर ने जो है ये बताई थी ये क्रीम. ठीक है, डॉक्टर ने इसको सजेस्ट किया था और उसके बाद इसको यूज़ किया और इसके जो है रिजल्ट्स हैं वो मैं अभी आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. कि जो ख़ास बात ये है ना, जो है इसमें SPF 60 है. तो SPF 60 समर्स में हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सन से प्रोटेक्शन जो है बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी. अच्छा जी, तो ये एक ऐसा सन ब्लॉक है कि चेहरे पर जो छाइयाँ आ जाती हैं ना, या अगर हम लोग धूप में जाएं और हमारी स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जलन स्टार्ट होना हो जाती है, या हम किचन में जाएं हमारी स्किन जलने लगती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारी स्किन पे छाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाती है. मतलब कि अगर हम सन में जा रहे हैं और हमारी स्किन जो है उस पर रेडनेस आ रही है, हमारी स्किन जल रही है या कोई भी ईचिंग सी हो रही है हमारी स्किन पे, तो उसका नेक्स्ट उसके बाद ये होता है कि हमारी स्किन पे छाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत मुश्किल से फिर हमारी स्किन से ख़त्म होती है. तो इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि सन में जाने के बाद अब स्किन पे वैसी रेडनेस नहीं होती है और वैसी जलन जो है वो भी ख़त्म हो गई है. नेक्स्ट ये क्या करता है, ये जिनकी स्किन पे छाइयाँ होती हैं ना, तो उनको भी ये काफ़ी अच्छे से जो है ये फर्स्ट ये जो उसको लाइटन अप करता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, क्योंकि कोई भी ऐसी क्रीम नहीं बनी आज तक जो कि बिल्कुल ही आपकी स्किन से एक चीज़ को ख़त्म कर दे. आप उसको पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद वो आप लोग की स्किन पे रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे. तो छाइयाँ हल्के होने स्टार्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन से ख़त्म हो जाती है. हमारे स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके जो दाग धब्बे होते हैं, वो हटाना हमारी स्किन पे बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये एक ऐसी क्रीम है यूवीएल, जिससे हमारी स्किन के डार्क स्पॉट भी गायब हो जाते हैं और यूवीएल हमारी स्किन पर हाइपर जो पिगमेंट होती है ना, उसको भी रोकने में मदद करता है और चेहरे पर जो प्री मेच्योर एजिंग आना हमारी स्टार्ट हो जाती है, जो कि आजकल सबका इशू है कि एज से पहले ही हमारी स्किन पे जो है वो एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी जो है ये प्री मेच्योर जो एजिंग होती है उसको भी ये रोकता है. हमने बहुत सी फार्मूला क्रीम यूज़ की होती हैं जिससे हमारी स्किन जो है उसकी लेयर्स इतनी पतली हो जाती है, इतनी थिन हो जाती हैं, और उसके बल्कि हमें इतने नुकसान उठाना पड़ते हैं. इससे पहले भी मैं फार्मूला क्रीम से बहुत सी वीडियोज़ बना चुकी, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो कि फार्मूला क्रीम्स हमारी स्किन के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं. तो जी अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में. तो ये इतनी सी मुझे क्रीम रिसीव हुई थी 350 जो है वो इसकी प्राइस है, और 30 ग्राम की पैकेजिंग है और 350 इसकी प्राइस है. सबसे ख़ास बात यह है कि इसके इस्तेमाल से मिलेनियम की प्रोडक्शन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो प्री एजिंग होती है हमारे स्किन पे, वो कम होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. जी तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और इसका रिव्यू करने का मकसद ये था कि जिन जिनको कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा इशू है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग इस क्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई करो, तो आप लोगों को ही इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों को ऐसा ऐसा मिलना स्टार्ट होंगे. ये नहीं है कि आप लोगों ने क्रीम लगाई और कोई जादू हो गया और आप लोगों का फेस बिल्कुल क्लियर हो गया. तो अब जो है मैं आप लोगों को इसका अंदर से टेक्सचर भी बता देती हूँ कि ये किस तरह की क्रीम है. तो ये देखिए, ये बिल्कुल वाइट कलर की है हमारे पास. अब तो ये ख़त्म भी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट भी इसको ज़रूर बाई करूँगी. तो ये इस तरह की देखिए वाइट बिल्कुल कास्ट की ये क्रीम है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई,
ये इस तरह की है। तो ये देखिए जी, इसका कोई भी वाइट कास्ट जो है वो मेरे हाथ पे नहीं आया, क्योंकि इसकी एक बात ये है कि बहुत सारे सन ब्लॉक होते हैं जो आपके फेस पे वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, मगर इसको अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे नज़र ही नहीं आता कि आपने अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है, कि ये बिल्कुल भी हमारे फेस पे वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। इससे ये हमारे स्किन पे जो है अप्लाई हो जाती है और बहुत जल्दी हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, क्विक सी वीडियो जो कि मैंने इस पर रिव्यू करना था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।